घर में बैठे बैठे लॉकडाउन में आप सभी बोर हो गए होंगे, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा हंसा देता हूँ। लॉकडाउन की स्थिति में एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, घर में बैठा हुआ था। अचानक से और उसने देखा कि सब्जी का ठेले वाला आवाज़ देता हुआ उसके घर के सामने से निकल रहा था। उसने उससे बोला कि भाई तू एक काम कर, तू मेरे घर में बैठ करके टीवी देख और मैं तेरा ठेला लेकर के एक दो गलियों में चक्कर लगा के आता हूँ, जिससे मुझे थोड़ा सा घूमने मिल जाएगा। सब्जी वाला बोलता है, देख भाई ऐसा है कि ये ठेला मेरा नहीं है, मैं तो खुद पड़ोस में रहता हूँ और ठेले वाला मेरे घर पे टीवी देख रहा है। जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर आने वाली छींक कोरोना नहीं होती। घर से बाहर जाते समय जैसे ही कार का नेविगेशन ऑन किया गूगल मैप, मैंने देखा उसमें लिखा था कि आप अगर डंडे खाना चाहते हैं तो दाईं ओर मुड़ें, और अगर उठक बैठक करना चाहते हैं तो बाईं ओर मुड़ें, और अगर दोनों ही नहीं करना चाहते तो चुपचाप यू टर्न लेकर अपने घर वापस चलेंगे। बहुत से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अगर इसी तरह से लॉकडाउन चलता रहा तो देश 40 साल पीछे चला जाएगा। लेकिन मैं साफ साफ शब्दों में आप सभी को बता देता हूं, मैं दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, यार ये सरकार इतने सारे कदम उठाती है तो इन्हें रखती कहाँ है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मिडिल क्लास की छाती पर और कहाँ। वक्त सबका आता है जनाब, जिस मोबाइल को स्कूल से बेइज्जत करके स्कूल वालों ने निकाला था कि मोबाइल्स आर नॉट अलाउड, वही अब ऑनलाइन स्टडी में काम आ रहा है। वक्त सबका आता है। देहांत से अच्छा है एकांत में रहना। सावधानी हटी और हलवा पूड़ी बटी। सुबह सुबह एक पड़ोसी को गमले में पानी देता हुआ देखकर पड़ोस की भाभी जी बोली, क्यों भैया आज क्या मोदी जी ने गमले में पानी देने का बोला है? अभी हाल ही में न्यायालय के द्वारा सुनवाई शुरू की गई ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसमें एक वकील साहब बनियान में ही बैठे हुए पैरवी करने लगे, कोर्ट को इंस्ट्रक्शंस देने पड़े कि भाई ऊपर तो कोट पहन लो, नीचे भले ही चड्डा पहने रहो। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, यार ये वैज्ञानिक भी बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया? बोले यार इन्होंने देखो दूध का पाउडर बना दिया, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में दूध का पाउडर लेकर के आदमी घर में रख के चाय पी सकता है। मैंने कहा बराबर है। बोलता है सूप का पाउडर बना दिया, अगर आपको सूप पीने की इच्छा है तो सूप भी पाउडर फॉर्म में है, आप पानी मिलाओ सूप बना लो, बराबर है। ये वैज्ञानिकों की लापरवाही है कि विस्की का पाउडर ही बनाना भूल गए, हद होती है यार। हमारे पड़ोस के गुप्ता जी ने खीर खाने के लिए जैसे ही खीर का कटोरा उठाया और जल्दबाजी में खीर पी गए, बाद में पता चला कि दूध सारा पेट में चला गया और जो चावल के दाने थे वो सारे के सारे कटोरे में रह गए। बाद में गुप्ता जी ने जब दिमाग लगाया और देखा तो उन्हें पता चला कि वो मुंह से मांस कटाना ही भूल गए थे। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि सात पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, मुझे लगता है हम वो सात भी पीढ़ियां हैं जो बैठ करके खा रहे हैं। प्लम्बर आएगा हार्डवेयर बंद, इलेक्ट्रिशियन आएगा बिजली की दुकान बंद, भाड़ाई आएगा आरा मिल बंद, गाड़ी मैकेनिक आएगा स्पेयर पार्ट्स की दुकान बंद, फैक्ट्री उत्पादन चालू पर विक्रय संस्थान बंद, सरकारी सोच को सलाम। आजकल किसी के निमंत्रण भी आते हैं तो उस कार्ड पर लिखा रहता है, भेज रहे हैं इसने निमंत्रण प्रियवर तुम्हें दिखाने को।
हे मानस के राजहंस, तुम आमत जाना खाने को। सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन के 40 दिन के अंदर जिस व्यक्ति की भी अपनी बीवी से लड़ाई नहीं हुई होगी, उस व्यक्ति को सरकार परमवीर चक्र से सम्मानित करेगी। वैसे माँ का प्यार दुनिया में सबसे बढ़कर होता है। एक बार सोनिया से राहुल ने पूछा कि माँ, लोग मुझे मंदबुद्धि बुलाते हैं, क्या वास्तव में ऐसा है? सोनिया ने कहा, बेटा तू मंदबुद्धि नहीं है और हो भी नहीं सकता। मंदबुद्धि तो वो लोग हैं जो 70 साल से हम पर और हमारी पार्टी पर भरोसा करते चले आ रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है गालिब कि दाल महंगी है, दर्द ये है कि किसी की गल नहीं रही। आपने एक बात नोटिस की, जब से कोरोना आया है बाकी की बीमारियों की कोई इज्जत ही नहीं रही यार। वक्त बड़ा ही बलवान होता है भैया। जहां आजकल आईपीएल का स्कोर देखना था, वहां कोरोना का स्कोर देख रहे हैं। इसमें भी मुंबई इंडियन टॉप पर है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर दबाएं।